जो कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अचानक ऐलान किया रिजर्वेशन का, अगर सही माने में उनका दिल, उनकी चाहत होती रिजर्वेशन देने की, क्या वो 4.5 साल इंतजार करते हैं? जो आदमी दिल से करना चाहता है वो उसके लिए इंतजार नहीं करता। मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, तेलंगाना में हारे, फिर अचानक उनको याद आया ना ये 10% रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन देने का कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो उससे पहले दे देते। उनकी यही सोच है कि कहीं ना कहीं ये चलेगा नहीं। अगर पार्लियामेंट में फेल हुआ, आगे कहेंगे लोगों को, देखो जी मेरा देने का तो इरादा था, पार्लियामेंट में नहीं माना। अगर अदालत में फेल हुआ तो कहेंगे, देखो जी मेरा देने का इरादा था लेकिन अदालत ने नहीं माना। अगर सही माने में देने का इरादा होता तो पार्लियामेंट के आखिरी सेशन के आखिरी दिन के लिए इंतजार नहीं करते, नहीं करते ना। लेकिन लोगों को अपना अकल इस्तेमाल करना होगा, लोगों को सोचना होगा कि क्या ये नीयत साफ है।